अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और हम लोग गए थे शॉपिंग करने, और ये जगह है थ्री कॉम टावर क्लिफ्टन, और बिल्कुल जो है बारबेक्यू टुनाइट के सामने। अच्छा, ये बहुत अच्छी मैंने जगह फाइंड की है। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, सारे आउटलेट ऑलमोस्ट आ गए हैं, आउटफिटर्स हैं। अच्छा, यहाँ पे लगी हुई थी फ्लैट 50% ऑफ। हमें तो पता ही नहीं था ना कि इतनी अच्छी मतलब सेल लगी हुई है। पहले तो खैर, फिर मैं बच्चों के साथ गई कि मैंने कहा देखो अपने लिए, फिर बच्चे कहने कि नहीं मामा, पहले हमारा आप देखें, हमने कुछ लेना है, शॉपिंग करना है। तो इनके ग्राउंड फ्लोर पे जो है गर्ल्स और बॉयज का है, और जब फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं ना तो वहाँ पे किड्स का एरिया है। और बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं इनकी। शूज़ मैं पहले भी लेती थी, अभी भी ली, बट इनकी फर्स्ट टाइम ऐसी लगी है कि फ्लैट सेल लगी 50% ना। तो बहुत, आप लोग जाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। और बच्चों की बहुत वैरायटी थी ना, जबकि वो मुझे बता रहे थे कि 3 दिन हो गई है हमारे ये सेल को, साइजेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो कहते 3 दिन हो गए तो इसलिए साइजेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे से एक जो है ना वो हो गई मिस्टेक कि उनके एक अगर आप आइटम ले रहे थे ना तो एसेसरीज का एक आइटम फ्री था। अच्छा, किसी ने मुझे बताया ही नहीं, गाइड करना चाहिए ना। अब हमने एसेसरीज भी मैंने एक ली, क्योंकि मैंने कहा नहीं अब ड्रेसेस तो ले लिए हैं, शूज वगैरह भी, बट एसेसरीज नहीं ली। बाद में जब मुझे पता चला तो बड़ा दुख हुआ ना, आपको पता है इस चीज का तो कैसा दुख होता है। तो मैंने कहा ओहो, हमने तो फ्री चीज ली नहीं। बट बहुत अच्छी जगह थी, बड़ा हमने बच्चों ने एंजॉय किया, और चीजें भी ली क्योंकि 50% ऑफ था, और बहुत अच्छा यहाँ पे मजा आया हम लोगों को। देखिए कितनी खूबसूरत ये जो है ना स्लीपर्स थी, बट साइज नहीं था इसमें ना। जो अच्छा, जो चीज़ ज्यादा आपको अच्छी लगी ना, अट्रैक्टिव, उसमें मेरे साथ तो यही होता है, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है या नहीं, मुझे बताइएगा, कि उसमें साइज ही नहीं मिलते। वो अक्सर ये कहते हैं मैम साइज ही नहीं है, और फिर आप खामोश हो जाते हैं कि क्या करें। उन्होंने इसी बात पर मुझे बताया कि 3 दिन से सेल लगी हुई है, तो इसलिए हमारे साइजेस जो है ना वो खत्म हो गए हैं। बॉयज, ये देखें बॉयज का सेक्शन अलग है और गर्ल्स का अलग है। ये सारा अभी हम बॉयज के सेक्शन में आ गए हैं, वो गर्ल्स का था पहले, अब ये सारे बॉयज के हैं कपड़े, ये शर्ट्स। बहुत अच्छी इनकी शर्ट्स वगैरह होती हैं, बुर वगैरह भी नहीं आता ना, इनके कपड़े काफ़ी चलते हैं। बच्चे क्योंकि बहुत ख़राब करते हैं, डेली बेसिस पे वॉश होते हैं, आपको पता है बच्चे तो अगर आप ऐसे ले लें तो वो चल ही नहीं पाते अच्छी तरीके से। और अब हम बाहर आ गए, मैंने कहा थोड़ा सा बाहर कभी शूट कर लेती हूँ। ये पूरा एरिया है, ये फर्नीचर है, इधर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, अब ये खादी स्टोर आ गया है, बहुत बड़ा, पता है आपको इतना बिग स्टोर है खादी का। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप ऊपर जाए ना तो वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम इतने अच्छे हैं कि यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से बच्चों के साथ जाएँ, शॉपिंग करें, और ऊपर जो है ना बच्चों को आप वॉशरूम्स ले जाएं। बहुत नीट एंड क्लीन है वॉशरूम्स भी, और ये भी बड़ा मज़े का इन्होंने सिटिंग एरिया भी बड़ा अच्छा सा बनाया हुआ है। और ये इनकी ज्वेलरी है, इनके भी ज़्यादा तो सेल नहीं लगी हुई थी, बट थोड़ी बहुत सेल लगी हुई थी, 30% और 20% ऑफ था, वो भी चंद रैक पे था, सारे रैक्स पे नहीं था, बट कुछ रैक्स पे इनके ऑफ लगा हुआ था। और मैंने ली, जाहिर सी बात है जब गई तो अच्छी लगी, कद कुर्ती हम ले ही लेते हैं क्योंकि ऑफ में, तो फिर दिल चाहता है कि एक आध कुर्ती आप ले ही लो ना। अब ये सारी ये देखें कितनी अच्छा, इनका अनस्टिच भी है, पता नहीं अनस्टिच अभी मैंने बनाई है वीडियो, तो अनस्टिच भी इनका बहुत अच्छा है। उस पर भी ना इन्होंने एक रैग टाइप का लगाया हुआ है, और उस पर भी आई थिंक 30% ऑफ था, या आई डोंट नो 50% था, बट उस पर भी अनस्टिच पे भी कुछ पे था ऑफ, और कुछ जो है वो कपड़ों पे भी ऑफ था, शर्ट्स पे। बहुत अच्छी लग रही है ये शर्ट्स, ये देखें बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एक वीडियो भी कैप्चर करना ना बड़ा मुश्किल सा लगता है, बच्चे कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं, उनको भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है।
वरना फिर वो नाराज हो जाते हैं, मामा ये आपने क्या किया, हमारी तो बात ही नहीं सुनी आपने। ये देखिए कितना अच्छा ये बनाया हुआ है, क्लीन, नीट एंड क्लीन। और बड़ा है ना, तो अब कोरोना की वजह से मुझे ज़्यादा क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हुए, वैसे भी बच्चों को स्पेशली ले जाते हुए ना, थोड़ा सा डर ही लगता है कि ऐसा ना हो भी तो स्कूल खुले फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, आप लोगों को पता है, फिर उनके छुट्टियाँ। वैसे ही अभी 2 दिन मेरे ख्याल में जा रहे हैं वीक में, अभी बच्चे मेरे तो 2 दिन जा रहे हैं, बाकी स्कूलों का नहीं पता, तो फिर वो भी ऑफ हो जाता है उनका, इसलिए मैं नहीं जाती। ये बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा बना हुआ है, काफ़ी स्पेस है, आराम से आप शॉपिंग कर सकते हैं। फिर ऊपर जो है इनका किड्स एरिया है, उसमें वहाँ पे जो है बेड शीट्स वगैरह भी हैं, और भी बहुत सारे स्टफ थे वहाँ पे, कुशंस और ये सारी चीज़ें। तो और वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, परफ्यूम भी हैं इनके, एसेसरीज भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। किस किस चीज़ की वीडियो बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊं। आप खुद ज़रूर जाके वहाँ विज़िट करें। और इसके बराबर में बास्किन रॉबिन भी है ना, वो भी बहुत अच्छा है, उसकी आइसक्रीम आप खाएं, इंजॉय करें। एक ही जगह पे उसके बराबर में सुपर स्टोर भी है, वहाँ से ग्रॉसरी वगैरह भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब इनके परफ्यूम है, वैसे मैंने ट्राई किया, मैंने बाय नहीं किया, पर इनके परफ्यूम अच्छी थी फ्रेग्रेंस, और मुझे लगा जैसे लॉन्ग लास्टिंग है। ये देखिए, ये आई थिंक ये 20% ऑफ वाली सारी कुर्तीज जो है ना, ये उस तरफ उस रैक में जो है ना, वो 20% ऑफ पे थी। ये इनके आई थिंक दिस इज न्यू अराइवल है, ये इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ है बड़ा अच्छा सा। और एक चीज लेने जाओ ना ऐसी जगहों पे, तो दिल चाहता है कि एक ही जगह आप 4 चीजें ले लो ना, ये भी ले लें, ये भी ले लें, किस किस के साथ ऐसा होता है। और मैं सोच रही थी आउटफिटर पे स्लीपर्स अच्छी थी तो लूंगी, बट इतना ज्यादा रश हो गया था वहां से पे, और हम लोग लेट भी गए थे, 8 बजे क्लोजिंग इनकी हो जाती है। अच्छा, ये इनका फर्स्ट फ्लोर है, जो किड्स एरिया मैं आपको बता रही थी ना, ये वो है, और ये वॉशरूम भी इधर ही है इनके ना, तो ये वो एरिया है। तो फिर मैंने स्लीपर्स ही नहीं ली ना वहाँ से आउटफिटर से, और मैं भूल गई कि मुझे लेनी थी, और यहाँ की मुझे पसंद नहीं आई थी, तो यहाँ पे भी, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, वो हाथ की बुनी हुई टाइप की थी, और बैग भी, तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। बट कपड़े इनके बहुत अच्छे होते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ड्रेसेस की जो बात है, ख़राब नहीं होता, कलर फेड नहीं होता। और ये मिनी माइनर्स पे भी फ्लैट 50% ऑफ लगा हुआ था, लेकिन हम कहाँ कहाँ जाते, मैं गई मिनी माइनर्स के अंदर, बट फिर मैं वापस आ गई, मैंने कहा नहीं अब ले लिया है आउटफिटर से, बट यहाँ पे भी बहुत अच्छे कपड़े थे, और लिखा हुआ था 50% ऑफ, और उसके बराबर में बास्किन रॉबिन्स। जब शॉपिंग करके थक जाएँ तो फिर आप आइसक्रीम खाएँ, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अब आप लोग जाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। अगर मेरा चैनल, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।